अपने पास रखते हैं, वो आपके किस में आती है, फिक्स्ड एसेट्स में आती है। ठीक है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में से आपका डेप्रिसिएशन लेस कर लेंगे, लीज हो प्रमाइसेस हो गए उसमें से, उसका भी अगर आप डेप लगा रहे हैं तो वो लेस करके दिखाएंगे। मशीनरी हो गई उसका भी डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे, कोई इक्विपमेंट है उसका भी डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे, फर्नीचर फिक्स्चर्स है उनके भी डेप्रिसिएशन, और व्हीकल है उसका भी डेप्रिसिएशन लेस करके अमाउंट दिखाएंगे, और ये फिर टोटल फिक्स्चर्स का टोटल निकाल लेंगे बच्चे थर्ड पार्ट में जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हम आपकी है आपकी नॉन करेंट एसेट्स हो गई, दैट इज फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट भी हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट्स आपकी कौन सी होती है, जिनको आप देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो वो किस तरह की एसेट्स होती है बेटा, नाम बताइए दादा, बता दो। चलो अगर आप लोगों को ध्यान आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों को नहीं पता है ये वाला कॉन्सेप्ट इंटेंजिबल एसेट्स का तो आप बता सकते हैं, वैसे मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। वो एसेट्स होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, क्या कहलाती है, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो देखिए जो हमारी गुडविल होती है मार्केट में, जो हमारी वैल्यू है क्या होती है, वो गुडविल। ठीक है, तो हमारी गुडविल हम उसके नाम गुडविल के मतलब अकाउंट बनाते हैं, उसमें पैसे रोक के रखते हैं, करते हैं ना उसके लिए उसमें। ठीक है, तो वो क्या हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं नहीं। ठीक है, और एक और है आपका वो ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स रिजर्व करा लेते हैं हम लोग, गवर्नमेंट से ले लेते हैं। अब जैसे क्लासमेट है, क्लासमेट कॉपी बनाता है, अगर आप लोग कल को नोटबुक्स बनाते हैं, नोटबुक्स बनाने के लिए अगर आप लोग कल को नोटबुक्स बनाने के लिए कोई फैक्ट्री डालने लगे तो क्या आप कॉपीराइट का नाम लिखकर भेज देंगे, नहीं सॉरी क्लासमेट का नाम लिखकर भेज देंगे, नहीं भेज सकते ना। ठीक है, तो ये किसका कॉपीराइट है, क्लासमेट का नाम लिखकर कॉपी को बेचना किसका राइट, उन्होंने क्या ले रखा है इसका, क्लासमेट ने कॉपीराइट ले रखा है। ठीक है, तो आपकी इससे क्या होता है कि मटेरियल मतलब चीजों को, नाम को, उनके ट्रेडमार्क को कॉपी करने के जो राइट्स है वो आपके पास नहीं। ठीक है, अपने जितने कॉपीराइट क्लासमेट अपने जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा वो उसी के पास राइट है कि वो अपने नाम को उसमें यूज करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की चीजें आपकी एसेट्स कौन सी होती है, आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो देख लीजिए इसमें एक बार क्या क्या आएगा, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, ट्रेडमार्क, डिजाइन, पेटेंट्स, प्रीमियम एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सब चीजें, चार पांच चीजें आपकी आएंगी, इन सबको लेंगे और टोटल कर लेंगे इंटेंजिबल एसेट्स का। अब आपकी नॉन करेंट दैट इज फिक्स्ड एसेट्स भी हो गई, करेंट एसेट्स भी आपने लिख ली, इंटेंजिबल भी लिख ली, अब तीनों का टोटल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ एसेट्स। ठीक है, सारी की सारी एसेट्स का आपका टोटल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से टोटल एसेट्स आ गई, तो ऊपर से आपने तीनों एसेट्स को टोटल कर दिया, करंट को भी, नॉन करंट को भी और इंटेंजिबल्स को भी। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज को भी हम सेम उसमें डिवाइड करेंगे, करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज। करंट कौन सी हो गई आपकी, जो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी है, और नॉन करंट कौन सी हो जाएगी बेटा आपकी, नॉन करंट वो हो जाएगी आपकी लायबिलिटीज जो आपको 1 ईयर से ज्यादा पे करनी है। ठीक है, ज्यादा टाइम में पे करनी है, लॉन्ग टर्म में पे करनी है। ओके, और तीसरी चीज आती है आपकी इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ठीक है, सॉरी शेयर होल्डर फंड, क्या आता है, शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो देखिए टोटल लायबिलिटीज में नोट्स पेबल हो गए, अकाउंट पेबल हो गए, इसमें क्रेडिटर और आपका बिल पेबल आ जाएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस जितने भी पेबल, दैट मींस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है आपके, अनअर्न्ड इनकम जितनी भी है आपकी वो किसमें आ जाएगी, अनअर्न्ड इनकम का क्या मतलब है, अनअर्न्ड इनकम वो इनकम जो अभी तक आपने कमाई नहीं है, अर्न नहीं करी है, तो वो कौन सी इनकम होती है, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है, या फिर आप उसको एडवांस इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, एडवांस इनकम इन द सेंस, मान लीजिए आपके पास सेल का ऑर्डर आया और पैसे आ गए। ठीक है, तो ऑर्डर आपको 1 महीने के बाद देना है। ठीक है, तो 1 महीने के बाद अगर आपको ऑर्डर देना है तो बेटा उसके उससे पहले ही पैसे आ गए तो उसको हम लोग लायबिलिटी मान के चलते हैं। क्यों लायबिलिटी मान के चलते हैं, इसलिए लायबिलिटी मान के चलते हैं कि हो सकता है कल को सामने वाले बंदे का या जिससे हमें ऑर्डर मिला है उसका माइंड चेंज हो जाए, वो हमसे ऑर्डर ना ले। ठीक है, तो जब तक हमारा ऑर्डर आपका डिस्पैच नहीं हो जाता है या फिर उसकी आपकी लाइफ
लग गया, तब तक वो जो पैसे हैं आप कहाँ दिखाते हैं, अपनी लाइबिलिटी में दिखाते हैं, क्योंकि इनकम आपको हो तो गई है लेकिन अभी तक आपने कमाई नहीं है, क्योंकि आपने उसका जो प्रोडक्ट है वो उसे ट्रांसफर नहीं किया है। ठीक है, तो एनुअल इनकम क्या होती है बेटा, आपकी एडवांस इनकम होती है, वो हम लोग कहाँ दिखाते हैं, करंट एक्टिविटीज में दिखाते हैं। ठीक है, तो डिविडेंड पेबल, जो डिविडेंड आपको पे करना है, आप डिविडेंड पेबल आपका इसमें करंट में क्यों रखा गया, क्योंकि बेटा डिविडेंड हर साल डिबेंचर्स पे होता है, प्रेफरेंशियल्स पे होता है। ठीक है, हर साल पे होता है आपका डिविडेंड, काइंड ऑफ इंटरेस्ट होता है ना ये, तो हर साल पे करते हो तो हर साल का मतलब है कि एक साल के अंदर अंदर तो पे हो गई होगा। ठीक है, तो आपका ये किसमें आएगा बेटा, करंट एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, तो डिविडेंड पेबल, अकाउंट पेबल आपका, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, जितने भी कस्टमर्स आपके पास एडवांस आया हुआ है, अभी जैसे मैंने आपको कितना बताया था, ठीक है, एडवांस जितनी भी आपको सेल के लिए पेमेंट आ गई है वो आ जाएगा आपका, बैंक लोन आ जाएगा इसमें, बैंक से जितना भी आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ, याद रखना एक साल या दो साल तक के लिए जो लोन लिया हुआ है वो आपका करंट लाइबिलिटी जाएगा, अगर आप लोगों ने उससे ज्यादा टाइम के लिए लिया हुआ है तो वो आपका किसमें चला जाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी, दैट मीन्स फिक्स लाइबिलिटी में आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, फिर सारी की सारी करंट लाइबिलिटीज लेंगे, करंट लाइबिलिटी का टोटल आएगा, टोटल आप थर्ड कॉलम में पहुंचाएंगे जैसे हमने सेम एसेट्स के साथ किया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन क्या होता है बेटा, मॉर्गेज लोन वो वाला लोन होता है जो आप अपनी कोई सी एसेट को मॉर्गेज करके, दैट मीन्स गिरवी रखकर लेकर आते हैं। ठीक है, तो मॉर्गेज लोन आपका बॉन्ड पेपर, जितने भी आपने बॉन्ड्स परचेज कर रखे हैं वो पेपर हैं आपके, वो आ जाएंगे। डिबेंचर्स आपके आ जाएंगे, डिबेंचर हमेशा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का टोटल हो जाएगा, और इसका टोटल आप कहाँ पहुंचाएंगे, थर्ड कॉलम में पहुंचाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेयर होल्डर्स इक्विटी। व्हाट? शेयर होल्डर्स इक्विटी, और इसमें शेयर होल्डर फंड और रिजर्व एंड सरप्लसेस आते हैं। क्या आता है? शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लसेस। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड में आपका शेयर होल्डर का जितनी भी आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, जितनी भी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है, वो सब चीजें आ जाएंगी आपकी, और जितना भी याद रखिएगा ऑथराइज और जो रिजर्व कैपिटल होती है उसका टोटल नहीं होता, जितना भी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और नॉट फुली पेड अप होती है, सिर्फ उसका टोटल हम लोग शेयर कैपिटल में दिखाते हैं। ठीक है, और आपका अगर रिटेल अर्निंग आ जाएगी, इसमें रिजर्व फंड आ जाएगा, शेयर प्रीमियम, रिजर्व बैंक, उसमें क्या आएगा, रिजर्व बैंक रिजर्व्स में क्या आएगा, रिजर्व एंड सरप्लसेस में आपका कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन रिजर्व, शेयर रिडक्शन रिजर्व, डिबेंचर रिडक्शन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आपका। ठीक है, और अदर रिजर्व आएंगे, अदर रिजर्व में आपका जनरल रिजर्व आ जाएगा, या फिर कोई और भी आप लोगों ने प्रेफर्ड एक्विटी के लिए आपका जितना भी रिजर्व रखा होगा वो सारे रिजर्व आ जाएंगे, और सरप्लस आएगा। सरप्लस लैंड में, सरप्लस में क्या आता है, सरप्लस में आपका प्रॉफिट आता है जो आप पीएनएल अकाउंट से निकाल कर लाते हैं। ठीक है, जितनी भी अर्निंग, जितने भी सरप्लसेस आपके पीएनएल अकाउंट में से निकाल कर लाए जाते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, सरप्लस में आ जाते हैं। और ये इक्विटी का, प्रीमियम का, रिजर्व का और आपका सरप्लस का सारा पार्ट किस में आता है बेटा, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। ठीक है, ये आपकी टोटल ऑफ लाइबिलिटी हो जाएगा, आपका टोटल लाइबिलिटी दिखानी है आपको, एसेट्स और लाइबिलिटी का, आपको ये एसेट्स का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल आपका क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ा कि आपकी वर्टिकल लाइबिलिटी की लाती है, शेड्यूल सिक्स के अंदर आती है। ठीक है, शेड्यूल सिक्स पार्ट थ्री है ये, पार्ट टू में आपका पेनल अकाउंट आता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को पेनल अकाउंट बता दूंगी। ये बैलेंस शीट देखिएगा, फॉर्मेट इसका आपको याद करना है, कई बार 15 नंबर में सीधा फॉर्मेट लिखने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, सीधा का सीधा अगर मैं बीबीए की बात करूं तो सीधा फॉर्मेट लिखने के लिए भी आ जाता है, और अगर हम बीकॉम की बात करें बच्चे, तो बीकॉम में तो सीधा आपसे पूछ लेगा कि ये वाला है, ये चीज है कौन से हेड के अंदर आएगी, करंट एसेट के, करंट लाइबिलिटी के अंदर आएगी या फिर करंट एसेट्स के अंदर आएगी, तो इस तरह की आपको ऑप्शन देंगे, वो एक ऑप्शन आपसे पूछ लेता है। पढ़ लीजिएगा, फॉर्मेट आपको लर्न करना पड़ेगा, कौन सी चीज किसके अंदर आती है, कौन से हेड के अंदर आती है, कौन से पॉइंट के अंदर आती है, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेयर पढ़ेंगे। ओके।